देखे आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। क्वार्क मॉडल पे कल छोड़ा था, आज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ाने जा रहे हैं। क्वार्क मॉडल लॉन्ग के लिए था, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं शॉर्ट के लिए, तो चार चार पांच पांच पॉइंट में लिखवाएंगे। देखिए, टाइम रिवर्सिबल सिमेट्री, टाइम रिवर्सिबल रिवर्सल सिमेट्री, टाइम रिवर्सिबल सिमेट्री, टी से दिखाते हैं, टाइम रिवर्सिबल सिमेट्री टी से लिखाते हैं। जैसे वो एक फिल्म आपने अभी देख, साउथ इंडियन मूवी है काफ़ी, हमने नहीं तो बच्चे देख रहे तो हमने थोड़ी सी देखी, वो है टाइम स्टोरी। बहुत तो टाइम स्टोरी में आप बैक में चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारी मूवी आती हैं जिसमें आप पीछे टाइम पे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसी भी मूवी आई जिसमें आगे टाइम पे चले जाओगे, 2020 चल रहा है आप चल 21 चल रहा है आप चले गए 2050 में, 2080 में क्या होगा, तो वो वाला भी तो ये जो आपका ये तो फॉरवर्ड हुआ और जो पीछे गए वो रिवर्स हुआ, ठीक है, बैकवर्ड हुआ। तो ये जो एक्चुअल वे में ऐसा नहीं होता, पर पार्टिकल फिजिक्स में हम रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं तो फॉरवर्ड में जाएंगे तो टी को लेंगे पॉजिटिव, रिवर्स में जाएंगे तो टी को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए, According to this symmetry, according to this symmetry, particle physics में हम forward backward दोनों में जाते हैं। According to this symmetry, event in which time runs backward, time चलता है backward में, time runs backward, time जो चलेगा backward में, और द मोशन इज रिवर्स, और द मोशन इज रिवर्स, मोशन क्या हुआ रिवर्स हुआ, मोशन आपका रिवर्स हुआ, तो टी बराबर टी डैश ये आपने ओरिजिन लिया, तो ये फॉरवर्ड है, इधर क्या है कि आप रिवर्स में चल रहे हो, तो टी के प्लेस पर क्या आएगा माइनस टी। तो देखिए,
फॉर टाइम रिवर्सल। फॉर टाइम रिवर्सल टी के प्लेस पर माइनस, ये है फॉरवर्ड, ये है आपका रिवर्स। हेलो नमस्कार, हाँ भेज दीजिएगा, हम हैं घर पे हैं, रजत 12 बजे से पहले तक रहेंगे, 12 बजे निकलेंगे हैं, आराम से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इफ ए मोशन फिल्म film was made of an event, emotion film was made of an event would appears to be equally possible possible that film is run forward or backward। जो फिल्म होती है रन करती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सच टाइप ऑफ फिनोमिना such type of phenomena exist in particle physics। इसी टाइप का phenomena particle physics में exist करता है, ठीक है, such type of phenomena exist in particle physics for time, समय के लिए, फॉर टाइम इज नोन एज टाइम रिवर्सल। टाइम इज नोन एज टाइम रिवर्सल सिमेट्री। उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल सिमेट्री।
जैसे पिक्चरें हैं आगे चलाओ पीछे चलाओ, वैसे ही टाइम भी फॉरवर्ड भी चलता है बैकवर्ड भी चलता है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलना क्या कहलाता है? टाइम रिवर्सल सिमेट्री। इस सिमेट्री में इन टाइम रिवर्सल सिमेट्री, इन टाइम रिवर्सल सिमेट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन आर कंजर्व्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आर कंजर्व्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है कंजर्व्ड होता है, ठीक है। इसमें इन टाइम रिवर्सल सिमेट्री वीक इंटरेक्शन इज नॉट कंजर्व्ड। वीक इंटरेक्शन इज नॉट कंजर्व्ड। समझ गए टाइम रिवर्सल क्या है? टाइम रिवर्सल ये है कि आप टी के प्लेस पर माइनस टी पे जा सकते हो। जैसे पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल की जगह पर आप एंटी पार्टिकल पे जाते हो, तो एंटी पार्टिकल के जाते हो तो वेव फंक्शन भी आपका पार्टिकल का जस्ट रिवर्स होगा एंटी पार्टिकल के। उसके पोजीशन के कंपोनेंट चेंज होंगे, उसके टाइम के कंपोनेंट चेंज होंगे, उसका चार्ज चेंज होगा, ठीक है। तो जब टाइम में वेरिएशन आएगा तो वो क्या कहला? टाइम रिवर्सल, ठीक है। टाइम रिवर्सल प्रैक्टिकली ये नहीं होता भाई। प्रैक्टिकली आप फॉरवर्ड तो जा सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में बैकवर्ड नहीं जा सकते, ये तो बस एजम्पशन में है। अभी कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आप रिवर्स में जा सको, पर थ्योरिकल बेस पर पार्टिकल फिजिक्स में हम रिवर्स में जाते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, सीपीटी थ्योरम है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीटी थ्योरम, या कहते हैं सीपीटी इनवेरियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीटी इनवेरियंस। सी का मतलब है चार्ज कॉन्जुगेशन। सी का मीन्स चार्ज कॉन्जुगेशन। सी का मतलब है चार्ज कॉन्जुगेशन। पी का मतलब है पैरिटी सिमेट्री। पैरिटी सिमेट्री चार्ज कॉन्जुगेशन में क्या आता है? क्यू की जगह माइनस क्यू। पैरिटी सिमेट्री में क्या आता है? एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स। और टी है टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल जो अभी पढ़ रहे थे।
तो पैरिटी से में इसमें चार्ज कॉन्जुगेशन में क्यू की प्लेस पर माइनस क्यू, पैरिटी में एक्स की जगह पर माइनस एक्स, टाइम रिवर्सल में टी की जगह पर माइनस, ठीक है। ये आपका ऑल रिएक्शन फॉलो सीपीटी थ्योरम या सीपीटी इनवेरियंस, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस इन पार्टिकल फिजिक्स, फिजिक्स all nuclear reactions in particle physics, physics physics follow the CPT theorem or CPT invariance. All nuclear reaction, all nuclear reactions in particle physics follow the CPT theorem या CPT invariance. Invariance का क्या मतलब होता है, ठीक है, बताओ विशाल invariance का क्या मतलब होता है, दिमाग ध्यान आ रहा है कुछ है? बता दे रहे हैं इनवेरियंस या इनवेरियंट, इसका मतलब होता है जैसे ये रूम है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोयला लिया इस रूम में, ठीक है, तो उसकी सिचुएशन इस रूम में, या मान लीजिए हम अदर मोशन की स्थिति में लेते हैं तो वो सेम रहे, मतलब ये समझो कि आपने यहाँ पे ला लगाया, ठीक है, वही ला लगाया आपने एक मूविंग फ्रेम में लगा दिया, ठीक है, रिलेटिविटी में पढ़ते थे तो उसमें लगाया, तो वो ला की वैल्यूज क्या रहती है, सेम रहती, तो वो क्या कहलाता है, इनवेरिएंट। अब यहाँ पे वो फ्रेम का मोशन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे आप चार्ज के लिए लो, चाहे आप पैरिटी के लिए लो, और चाहे टाइम के लिए लो, तो ये जो वैल्यू जो चार्ज पैरिटी और टाइम की है, एक के लिए लिया उसके रिवर्स के लिए लिया, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। मतलब आप जब रिवर्स में जाओगे तो चार्ज कॉन्जुगेशन सेम, पैरिटी कॉन्जुगेशन सेम, टाइम रिवर्सल सेम है, तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में रिवर्स में उनका इक्वेशन क्या रहती है, सेम है, तो ये कहलाता है ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन इन पार्टिकल फिजिक्स फॉलो द सीपीटी थ्योरम या सीपीटी इनवेरियंस। इनवेरियंस मींस आपने रिलेटिविटी में पढ़ा था इनवेरियंस या इनवेरियंट, तो आप जो भी चीज़ लगाते हो एक ला एक फ्रेम में और दूसरे फ्रेम में उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है ना। वैसे ही यहाँ पर जो सीपीटी थ्योरम आपने फॉरवर्ड में लगाई और चाहे रिवर्स में लगाई, वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम है। चार्ज की क्यू की जगह माइनस क्यू हो जाए, या माइनस क्यू की जगह आपका क्यू, मान लीजिए पार्टिकल है, पार्टिकल की जगह एंटी पार्टिकल हो जाए, या एंटी पार्टिकल की जगह पार्टिकल हो जाए, उनकी वैल्यूज सब जगह क्या रहेगी, सेम। पैरिटी पोजिशन से रिलेटेड है, वो क्या रहेगी, सेम। एक्स के लिए या माइनस एक्स के लिए, सेम। टाइम के टी के लिए या माइनस टी के लिए, वो वैल्यू क्या रहेगी, इससे ये दूसरा पॉइंट। ऑल लॉज
इन पार्टिकल फिजिक्स आल लॉज। अब जैसे जो भी लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये सभी लॉज, ऑल लॉज इन पार्टिकल फिजिक्स ओबे द सीपीटी थ्योरम। सीपीटी थ्योरम तीसरा देखिए, अकॉर्डिंग ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितनी भी एमएससी की बुकें हैं वो सब बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हैं आपकी, जितना भी मतलब आप ऐसे समझ नहीं सकते, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पास्टुलेट्स ऑफ एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स थी या क्वांटम फील्ड थ्योरी थी उसके अनुसार ऑल इंटरेक्शंस जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ऑल इंटरेक्शंस शुड बी इनवेरिएंट should be invariant। हाँ खोलो जरा, ऊपर ही है यार, should be invariant under the combination under the combination of CPT theorem, CPT under the combination of C, P and T, under the combination of C, P and T, किसके combination में, C चार्ज कॉन्जुगेशन, पी पैरिटी कॉन्जुगेशन और टी है रिवर्स, उसके अंतर्गत ये वैल्यूज क्या रहती हैं आपकी सेम। अब देखिए इनको जरा सा बता दें, देखो ये अभी हम इसके पहले पढ़ा दिया, टाइम रिवर्सिबल सिमेट्री, टाइम रिवर्स सुन लो बस जल्दी से हम आगे बढ़ें, टाइम रिवर्सिबल सिमेट्री में टी के प्लेस पर माइनस टी पर जाते हैं, जो टाइम है टाइम की भी हम क्या करते हैं सिमेट्री लेते हैं, तो टी के प्लेस पर हम कहाँ जाएंगे माइनस टी, टी है आपका फॉरवर्ड टाइम, मान लीजिए आप प्लस एक्सिस पे चल रहे हो तो टी क्या है फॉरवर्ड टाइम,
रिवर्स चल रहे हो तो क्या हो गया, बैकवर्ड टाइम। तो वो है टाइम रिवर्सल, आपका टाइम का फॉरवर्ड जाना और रिवर्स जाना, ठीक है। टी के प्लेस पर हम माइनस टी, ऐसे ही क्या होता है चार्ज का भी कंजुगेशन होता है। तो एक है सीपीटी थ्योरम या सीपीटी इनवेरियंस, इसमें सी का मतलब है चार्ज कंजुगेशन, क्यू के प्लेस पर माइनस क्यू पे जाओगे या माइनस क्यू के प्लेस पर क्यू पर जाओगे। तो जैसे ज़्यादातर जो पार्टिकल होता है उसका एंटी पार्टिकल एक तरीके से रिवर्स होता है, जैसे प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन या एंटी प्रोटॉन का आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का अपोजिट है। तो ज़्यादातर पार्टिकल्स के जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके रिवर्स होते हैं, तो वो कहलाता है चार्ज कॉन्जुगेशन। फिर है पी पैरिटी सिमेट्री, पैरिटी सिमेट्री में जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट, जैसे आप प्लस एक्सेस पे जा रहे थे, प्लस एक्स अपोजिट जाओगे माइनस है, तो वो आपका पैरिटी कॉन्जुगेशन कहलाए। और टाइम रिवर्सल आप टी के प्लेस पर माइनस की, ठीक है, मतलब आप गए टी फॉरवर्ड टाइम में, जैसे 2021 चल रहा है आप आगे चले गए 25 में 26 में 27 में 28 में, प्रैक्टिकली नहीं जा सकते, थ्योरेटिकली आने वाले समय में तो जाओगे ही, पर फॉरवर्ड तो आप आगे जाओगे, पर आप अभी चाहो कि हम आगे चले जाएं तो थ्योरिकल बेस पे चले जाते हैं, ठीक है। रिवर्स जाना पॉसिबल नहीं था, पर आप रिवर्स भी गए हो, कई बार गए हो, फिल्मों विल्मों में तो गए ही हो, अपोजिट गए हो ना, ठीक है, कि आपने कई बार देखा कि फिल्मों में बैक में गए, ठीक है, अपोजिट गए, वो एक इधर साउथ इंडियन मूवी है टाइम स्टोरी, जिसमें वो पीछे टाइम में जाके सब सही करता है ना, ऐसे ही आपने और भी सारी फिल्में देखी होंगी। तो वैसे ही यहाँ पर टाइम रिवर्सल में हम टाइम में ले, तो प्रैक्टिकल फिजिक्स में ये थ्योरम लगती है, सीपीटी थ्योरम कहते हैं या सीपीटी इनवेरियंस। इनवेरियंस का मतलब जो भी चीज़ें हैं आप फॉरवर्ड जाओ या रिवर्स जाओ वो वैल्यूज वही रहेंगी, वो इनवेरियंट रहेंगी। तो देखो पहला ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन इन पार्टिकल फिजिक्स फॉलो द सीपीटी थ्योरम या सीपीटी इनवेरियंस, वो किसको फॉलो अप करती हैं, सीपीटी थ्योरम को या सीपीटी इनवेरियंस, क्वेश्चन लिख के आएगा सीपीटी थ्योरम या सीपीटी इनवेरियंस, एक ही बात। ऑल लॉज इन पार्टिकल फिजिक्स ओबे द सीपीटी थ्योरम, जितने भी लॉज हैं पार्टिकल फिजिक्स में ओबे करते हैं सीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पास्टुलेट ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। अब तुम कहोगे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, एडवांस एक थी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई, ठीक है, जिस पर बेस्ड थी एच एन यू के पैकेट्स पर, और जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स थी वो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका लगा, ठीक है, जिसे हम आपकी वो एक और बोर कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लगा, तो वो जो थ्योरी थी वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आती है या न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में आती है, ठीक है, पढ़ा है बीएससी में आपने हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू द पास्टुलेट ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑल इंटरेक्शन शुड बी इनवेरियंट, वो नहीं बदलेंगे, इनवेरियंट रहेंगे अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ सी पी एंड टी, किसके कॉम्बिनेशन में, सी के पी के और टी के, सी का मतलब चार्ज कॉन्जुगेशन, पी का मतलब पैरिटी सिमेट्री और टी का मतलब टाइम रिवर्सल, ठीक है। अब देखिए सीपीटी ऑपरेशन देखिए, सीपीटी ऑपरेशन साई है पार्टिकल के लिए और कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा टी, ठीक है, अब ये क्या हो गया साई एंटी पार्टिकल,
माइनस एक्स माइनस टी। तो ये आपका वेव फंक्शन, वेव फंक्शन साई पार्टिकल किसमें गया? साई एंटी पार्टिकल, ठीक है। ये आपका किसमें आया? चार्ज कॉन्जुगेशन, दैट इज चार्ज कॉन्जुगेशन। मतलब क्यू के प्लेस पर माइनस क्यू, दैट इज चार्ज। उल्टा भी हो जाता, माइनस क्यू से क्यू जाता है, ठीक है, उल्टा भी जाएगा माइनस क्यू से भी। अब जैसे आप यही नहीं कह सकते हो कि क्यू से माइनस क्यू, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस क्यू है, ठीक है, और पॉजिट्रॉन क्या है? प्लस क्यू। तो चार्ज क्यू से माइनस क्यू या माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो दैट इज चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। दिस इज द चार्ज कॉन्जुगेशन, यह है आपका चार्ज कॉन्जुगेशन। पोजिशन कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स से आप माइनस एक्स में गए, दैट इज पैरिटी सिमेट्री। ये क्या कहलाएगी? पैरिटी सिमेट्री। दिस इज द पैरिटी सिमेट्री, दिस इज द पैरिटी सिमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं? पैरिटी सिमेट्री। और टी के प्लेस पर, टी के प्लेस पर, ठीक है, टाइम कोऑर्डिनेट टी के प्लेस पर माइनस टी, ठीक है। दिस इज द टाइम रिवर्सल सिमेट्री। इज द टाइम रिवर्सल सिमेट्री, टाइम रिवर्सल सिमेट्री। इसे हम क्या कहेंगे? टाइम रिवर्सल सिमेट्री। ये है आपकी सीपीटी थ्योरम या सीपीटी इनवेरियंस। Such type of phenomena of particle physics, such type of phenomena of particle physics, इस तरीके का जो phenomena है particle physics का, is known as सीपीटी थ्योरम और इनवेरियंस। सीपीटी इनवेरियंस अब आइए
सीपी वायलेशन है। तीसरा टॉपिक है आज का, ये दो टॉपिक की एक क्लास हम कर दें फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है।